कल ड्रामा देखा मैंने आपका। कौन सा देखा? वही क्या जिंदगी मेरे घर आना। देखा आपने? हाँ ये भी देखी, जो उसने दिखाया था मैडम ने वो मैंने देखा। क्या देखा? अच्छा ड्रामा मेरा। आज हम जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है। यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग्स हुई हैं और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स और बहुत प्यारी प्यारी लोकेशंस हैं। तो पहलगाम पहुँचने से पहले ही हमें कोविड टेस्ट से गुजरना पड़ा। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनको RT-PCR टेस्ट करवाना कंपलसरी है। सो जस्ट लाइक गुलमार्ग, पहलगाम में भी आपको पहलगाम पहुंचने के बाद अगर बाकी पॉइंट्स कवर करने हैं तो अलग गाड़ी बुक करनी पड़ती है या तो पोनी लेना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियोस में बताया था कि हम पोनी नहीं लेंगे, तो हमने यहाँ से एक दूसरी गाड़ी बुक की। हम लोग 7 लोग थे इंक्लूडिंग आर ड्राइवर। हम 7 लोगों का पड़ा 1200 एक गाड़ी का, और वो गाड़ी हमें घुमाने वाली थी 3 जगह, जो कि थी बेताब वैली, आड़ू वैली और चंदनवाड़ी वैली। लेकिन कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से आड़ू वैली और चंदनवाड़ी वैली बंद थी, इसलिए हम लोग सिर्फ बेताब वैली ही घूम पाए। अगर आप पहलगाम अपनी पर्सनल व्हीकल में आए हैं तो आपको पहलगाम से दूसरी गाड़ी बुक करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके बाकी पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कश्मीर आके कोई और ट्रैवलर हायर की है या फिर कोई टैक्सी बुक की है तो आपको पहलगाम से एक दूसरी गाड़ी या तो पोनी लेनी पड़ेगी बाकी एरियाज कवर करने के लिए। आप प्राइवेट टैक्सीज में नहीं जा सकते। सो आज है day 4 और आज हम आए हैं पहलगाम में बेताब वैली। हम चाहते तो 3 स्पॉट्स घूमना थे पहलगाम में। पहलगाम में वैसे काफ़ी सारी वैलीज हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट हमें घूमना था आड़ू वैली, बेताब वैली। बट क्योंकि कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल था उसके वजह से बाकी 2 वैलीज बंद है और यहाँ पे आज सिर्फ एक ही वैली खुली थी और वो है बेताब वैली। तो इसलिए अभी हम बेताब वैली आए हैं। पर मैंने ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स और हमारे जो ड्राइवर हैं उनसे भी सुना है कि ये जो जगह है मेरे पीछे, यहाँ पे बजरंगी भाईजान का सीन, लास्ट सीन शूट हुआ था जब वो पाकिस्तान से इंडिया भेजे जाते हैं, तो वो सीन ऐसा सब बोल रहे हैं कि यहीं का शूट है। बेताब वैली में बेताब मूवी की शूटिंग हुई है। बेताब मूवी में सनी देओल और अमृता सिंह थे और इस मूवी के बहुत सारे सीन्स हैं जो यहीं पे शूट हुए हैं। तो हमने जैसे ही बेताब वैली में एंटर किया, हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी और वो ये थी कि ये कहाँ आ गए हैं हम। इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी जगह। बेताब मूवी शूट होने के बाद, रिलीज होने के बाद इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया।
क्या नजारा था। मैंने जितना इस वैली के बारे में सुना था वो इस वैली के कुछ भी नहीं था। ये वैली उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जगह है जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई है और यहीं पे सनी देओल का घर था। नहीं, ये वो ना एक कीड़ा। हाँ। वो ये होता ना चाइना, वो वीडियो में दिखते थे ना। हाँ। ये बड़ा। हाँ। यही खाते है वो। ये वही है, लेकिन यहाँ पर ये झींगा है। झींगा, झींगा ही है ना वो खाते है। झींगा ही है। मेरा मन कर रहा था मैं भी यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत सा घर बना लूं बेताब मूवी की तरह और जिंदगी भर के लिए यही रह लूं इन खूबसूरत सी वादियों के साथ। पर काश ऐसा हो पाता ना।